नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पति अमेरिका में और पत्नी को ससुराल के घर में नहीं घुसने दिया। सुबह से बैठी है घर के बाहर महाराष्ट्र की चेतना शर्मा की शादी। 2019 में दिल्ली के शालीमार बाग में रहने वाले अनुपम शर्मा से हुई थी। अनुपम शर्मा अमेरिका में है और चेतना शर्मा आज अपने ससुराल के घर आई तो घर पर ताला लगा मिला। चेतना शर्मा ने ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस को भी शिकायत दी है। इनका कहना है कि इन घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, साथ ही इनसे दहेज की मांग की जा रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है। चेतना शर्मा ने कहा कि उनकी दो बेटियां पैदा हुई, इसलिए अब पति और सास ससुर सभी चेतना शर्मा को छोड़ना चाहते हैं और उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। अमेरिका जाने के बाद अब पति उनसे बात भी नहीं कर रहा है। आखिरकार परेशान होकर चेतना शर्मा महाराष्ट्र से अपने माता पिता को साथ लेकर आज शालीमार बाग पहुंची। चेतना शर्मा पूरे परिवार को सूचना देकर शालीमार बाग पहुंची थी। उन्हें सास ससुर को पहले ही बता दिया था कि वो दिल्ली आ रही हैं। इसके बाद चेतना शर्मा जब यहां पहुंची तो ससुराल पक्ष के लोग घर में नहीं मिले और ताला लगा मिला। अपने सामान के साथ चेतना शर्मा घर के आगे बैठी है। चेतना शर्मा और क्या क्या आरोप लगाया, हमारे संवाददाता संजय सिंह ने इस खबर को कवरेज किया और ससुराल पक्ष के भी फोन मिलाए। उन्होंने फोन तो उठाया लेकिन मीडिया के नाम पर उन्होंने बात नहीं की और अपना पक्ष नहीं रखा। फिलहाल चेतना शर्मा ने दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत दे दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चेतना शर्मा को न्याय मिल पाता है या नहीं। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? चेतना शर्मा। चेतना जी, क्या मामला है बताएं? जी, मेरी शादी को 4 साल हो गए। 8 जुलाई 2019 को मेरी शादी हुई थी और मेरे पापा शादी में 30 लाख रुपए दहेज दे चुके हैं। उसके बाद में भी ये पैसों के लिए हमेशा मुझे परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं। पहली लड़की हुई जब भी इन्होंने मुझे मायके भेज दिया और तब भी इन्होंने बहुत परेशान किया था और जब सब बात होने के बाद माफ़ी मांगी थी और मुझे लेके आए थे। उसके बाद में भी इनके बिहेवियर में चेंज नहीं आया, फिर इन्होंने वही बिहेवियर शुरू कर दिया। और जब मेरे ऑपरेशन को कुछ ही महीने हुए थे तब मुझे प्रेगनेंसी रह गई थी, जबकि मैं बच्चा नहीं चाहती थी क्योंकि मैं फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। उसके बाद में भी इन्होंने मुझे बेटे होने की दवाई खिलाई और ज़बरदस्ती बच्चा रखवाया। अब मैं इन दो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अब क्या सिचुएशन है अभी यहाँ की? अब मेरे पति अमेरिका में चले गए, वो ना फोन करते हैं ना मैसेज का रिप्लाई करते हैं, मुझसे कोई बात नहीं होती। वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। और घर वाले भी मुझसे पल्ला झाड़ना चाहते हैं। वो लॉक लगा, मैं सुबह 8 बजे से यहाँ खड़ी हूँ, वो लॉक लगा के कहीं चले गए और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ और मैं अब दो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को वहाँ से बुलाया जाए और सामने बैठ के बात करवाई जाए। और जब मम्मी ने मेरे सास से बात की थी तब भी उन्होंने यही धमकी दी थी कि हमारी बहुत बड़े बड़े इसमें जान पहचान है और हम कोर्ट में केस कर देंगे, पुलिस में कर देंगे, और धमकी दी थी। किस किस का नाम ले रखे थे कि धमकियों के बारे में बताया थे? जी, मम्मी और पापा फोन करते तब भी ये उल्टी उल्टे ही बात करते हैं और धमकियां देते हैं कि हमारी बड़ी बड़े लोगों में पहचान है, नेताओं में पहचान है, पुलिस में पहचान है, हम आपको अंदर करवा देंगे, केस करवा देंगे, ऐसे धमकी देते हैं। क्या लग रहा है कि आपके परिवार को खतरा भी है? हाँ, मेरे परिवार को इन लोगों से खतरा है और मुझे भी खतरा है। जी सर, आपने इस लड़की की शादी कराई थी, आपने रिश्ता कब कराई थी? ये जुलाई के महीने में 8 जुलाई 2019 में कराई थी। हाँ। और शादी आपस में बड़े प्रेम पूर्वक हुई। हाँ। कोई विवाद नहीं था। अब इन पर दो बच्चे हो गए, अब इनमें आकर के आपस में सुनना पड़नी चाहिए। आखिर क्यों हो रहा है, क्यों, इसके कारण क्या है? देखिए जी, ये तो इनका पारिवारिक मसला है। हाँ। किस वजह से हो रहा है ये तो ये लोग जान सकते हैं, अब मुझे क्या पता, मैं इतनी दूर रहता हूँ, किस बात में हो रहा है। तो आपने जब रिश्ता कराया था तो आपने उस टाइम क्या बिहेवियर इन लोगों का सही था या गलत? जब तक दोनों पार्टी बिल्कुल ठीक थी। अच्छा। जो बेटी वाले से मांगा बेटी वाले ने दिया, कोई डिमांड में कमी नहीं छोड़ी है। अच्छा।
सारे कमी पूरी करी, सारी पूरी करी। फिर ये कमियां क्यों इस तरह से घर पे अब ये है? तो बेटे वाला जाने और ये लोग जाने, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, आपके भी फोन नहीं उठा रहे हैं क्या वो लोग? नहीं, मेरा फोन उठाया सुबह, उठा रहे ना, लेकिन अब नहीं उठा रहे। अच्छा, पुलिस का भी फोन नहीं उठाया उन्होंने। क्या लग रहा है उनको मन में, कहे ना कुछ शंका लग रही है, फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? और ये तो वही लोग जान सकते हैं जी, अब क्या क्या बता। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र जी, आपकी लड़की है, कब शादी की थी? 2019 8 जुलाई 2019। अच्छा, अब क्या समस्या आ गई थी? अब समस्या ये है कि लड़की को परेशान करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, और जब ये लड़का अमेरिका जा रहा था 10 लाख रुपए मांगे थे, तो उसने 5 लाख तो दे दिए, 5 लाख और देने थे, तो अब लेके आ करके जब दूसरी लड़की हो गई, हम उससे उनके सहमति से लड़की को लेके गए, तो बाद में ले आएंगे तो लेने भी नहीं आए, और लेके आए तो फिर ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, अब पुलिस ने आपने कंप्लेंट किया, तो पुलिस का क्या कार्रवाई रहा है? पुलिस कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उनका फोन नहीं उठा रहे। आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए। दो लड़कियाँ हैं, दो लड़कियों को लेकर कहाँ परेशान होगी बच्ची, नहीं क्या? क्या बार बार ये टॉर्चर किया जा रहा है पैसे के लिए? टॉर्चर भी किया जा रहा है, लेकिन मेन चीज ये है कि दो लड़कियां आए, तो उनको उनको लड़का लड़के होने के लिए दवाई भी खिलाई छोटी लड़की के लिए, तो लड़कियों को लड़का हुआ नहीं, जब से इनका बिहेवियर और ज्यादा चेंज होगा। जी अंतिक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा शर्मा है। सुधा शर्मा जी, आपकी लड़की के क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम है चेतना शर्मा। कब शादी हुई थी? मेरी बेटी की शादी 8 जुलाई 2019 में हुई थी। अच्छा, अब क्या बिहेवियर है, क्यों घर से बाहर सामान निकाला गया, क्या रीजन है? अच्छा, ये है कि लड़की की मेरी बेटी की शादी को हो गए 4 साल, इसको पहली बार बेटी जब प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने मायके भेज दिया, तो वहाँ पे डिलीवरी करवाना, बच्चा वहाँ पैदा करना, तो हमने कर दिया, चलो कोई बात नहीं है। अब उसके बाद में लड़की को परेशान करते थे ना ये, फिर कहने लगे हमसे गलती हो गई, माफ़ी मांग ली हमने, सॉरी, लड़की को भेज दो। हमने लड़की को भेज दिया यहाँ, जब लड़की को यहाँ भेज दिया तो कुछ महीनों के बाद फिर से प्रेग्नेंट थी लड़की, तो इसको दवाई भी खिलाई लड़का होने की, और इसको बोलते थे कि अपनी मायके जा, जब प्रेग्नेंट थी ना माँ के घर जा, इसने बोलते मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है तो मैं वहाँ नहीं जा सकती, तो इसको ज़बरदस्ती करते थे, ये नहीं गई तो इसको परेशान किया, पूरे 9 महीने तक उसको लड़की को परेशान किया। जब लड़की पैदा हो गई तो तब से तो उनका और भी ज़्यादा रवैया ख़राब हो गया लड़की का, यानी जीना ही मुश्किल कर दिया। लड़की बीमार रहने लगी थी, हमको फ़ोन किया, हमने उनको फ़ोन किया कि भाई हम लड़की को लेने आ जाएं क्या, उन्होंने हमें बताया कि ठीक है ले जाओ, हम बोले 1-2 महीने के लिए भेज दो, लड़की यहाँ रहेगी, रेस्ट कर लेगी, तबीयत अच्छी नहीं है, तो बोले ठीक है ले जाओ। हम अच्छे से आए और उन्होंने अच्छे से हमारे साथ लड़की को भेजा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक तो वहाँ जाने के कुछ दिन बाद ही उनका, जब हम फ़ोन करते थे लड़की से, तो कोई ना फ़ोन ना कोई मैसेज, ना दामाद का कोई फ़ोन मैसेज, और हम माँ बाप फ़ोन करते ना तो हमसे उल्टे उल्टे ही बोलते, लड़ने के लिए आते। क्यों, क्या बिहेवियर क्यों ऐसा चेंज? अब वो तो वही बताएंगे ना। अब आप लोग घर के बाहर खड़े हैं, अभी लड़की इतने दिन से वहाँ रह रही, तो हमने उनको फ़ोन किया कि भाई हम दामाद को अमेरिका रहते हैं, आ नहीं सकते, तो हम लड़की को लेके आ रहे हैं, हमने उनको इन्फॉर्म किया आज कि हम लड़की को लेके आ रहे हैं, तो हमारे आने के पहले लॉक लगा के यहाँ से चले गए। पुलिस का क्या कार्रवाई रहा? कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी कर रही। बस यही है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद इसको न्याय मिल जाए, हम नहीं चाहते इसको न्याय मिले, बहुत परेशान है लड़की, दो से छोटे बच्चों के साथ ही बहुत दुख है, सुबह से बच्चे यहाँ भूखी बैठी हैं, बताइए। मैं इसकी सच्ची बात कर रही हूँ।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।